हैई गुड मॉर्निंग आई एम प्रियंका एज यू ऑल नो आई एम गोना टीच यू मॉडल साइंस जैसा आपने फोर्थ स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था और सेम वही चीज़ है इसमें कोई चेंजेस नहीं है बस पब्लिकेशन चेंज हो चुका है अब जो कि अब क्या है लैंडस्केप ऑफ लाइफ जैसा आप लोग देख सकते हो तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर कंटेंट आप इसमें देख सकते हो टोटल कितने इलेवन चैप्टर्स हैं बस इसमें अभी हमें बस फर्स्ट चैप्टर पे फोकस करना है जो कि एक सिंपल सा छोटा सा प्रेयर है आप लोग अभी फिफ्थ स्टैंडर्ड में हो तो आपका लेवल भी हाई हो चुका है आई होप कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी तो देखो यहाँ पे ये प्रेयर है जिसमें सिंपली क्या है भगवान को थैंक्स बोलना है हर वो चीज़ के लिए जो उन्होंने हमें प्रोवाइड किया है जो जो उन्होंने हमें दिया है जैसा आप स्कूल में भी प्रेयर करते हो ना एक ऐसा आता ओ गॉड भी थैंक यू फॉर एवरीथिंग थिंग यू हैव गिवेन अस प्लेसेस एंड गाइडर्स इन एवरी थिंग डैट वी डू एंड फॉर गीव आर सीन्स तो सेम वैसा ही चीज़ यहाँ पर है यहाँ पर हमें अपना ग्रेटफुल नेचर दिखाना है ग्रेटफुल नेचर आपको पता है क्या होता है फीलिंग ऑफ थैंकफुल मतलब किसी को किसी के प्रति शुक्रिया अदा करना वो क्या होता है ग्रेटफुल नेचर तो इसमें हम भगवान को थैंक्स बोल रहे हैं हर वो चीज़ के लिए जो उन्होंने हमें दिया है जो उनकी वजह से हमें मिला है तो इसमें आप देखो फर्स्ट क्या है थैंक यू गॉड फॉर ऑल डैट क्रोस थैंक यू जो भी चीज़ ग्रो कर रहा है वो हर चीज़ के लिए थैंक यू वेदर इट इज़ प्लांट्स क्रॉप्स जो भी है वो हर चीज़ के लिए हमें उन्हें थैंक यू बोलना है थैंक यू फॉर द स्काईज रेनबो स्काई में जो रेनबो है रेनबो आपको पता है सेवन कलर्स का होता जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी होता है देखने में तो उस चीज़ के लिए भी थैंक यू थैंक यू फॉर द स्टार्स डेट शाइन स्टार्स जो ट्विंकल करते नाइट में जो कि बहुत खूबसूरत सीन होता तो उसके लिए भी थैंक यू बोला जा रहा है स्टार्स का काम क्या होता है ट्विंकलिंग करना जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता उसके लिए भी थैंक्स है थैंक यू फॉर दीज फ्रेंड्स ऑफ माइंड और जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो आपने मुझे दिया है जो इनकी फ्रेंडशिप मुझे दी है जो कि बहुत अच्छे हैं फॉर थैंक यू फॉर गिविंग सच ए नाइस एंड गुड फ्रेंड थैंक यू फॉर द मून एंड सन सन और मून के लिए थैंक यू जैसे सन आपको पता है ना अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट होता है और मून क्या होते हैं अपनी खूबसूरती शीतलता के लिए जाने जाता है तो उसी चीज के लिए क्या बोलना है थैंक यू बोलना है और जैसे बायोटिक हो या ए बायोटिक हो हर चीज के लिए हर चीज़ को तो भगवान ने ही बनाया है ना तो हर चीज़ के लिए हम भगवान को थैंक्स बोल रहे हैं और लास्टली क्या है थैंक यू गॉड फॉर ऑल यू हैव हाँ डन आपने जो भी सारे काम किए मतलब तो एक एक चीज़ में उसको बता पाना बहुत मुश्किल है जो भी हमें भगवान ने दिया है इसलिए लास्टली हम क्या बोल रहे हैं कि थैंक यू फॉर एवरी थिंग डाट यू हैव डर्न एंड डाट यू हैव गिवेनस जो आपने हमें दिया है और जो आपने किया है हमारे लिए ठीक है बस सिंपल सा है इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना कुछ करने की ज़रूरत है बस सिंपली आप इसे देखो बस इसके अलावा कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैंने प्रिपेयर किया है क्वेश्चन है समरी है तो आप उसे भी देख लो जैसे इसमें पहला क्या है कामली कामली मीन्स क्या होता है क्वाइटली बोलते हैं ना काम डाउन रिलैक्स हो जाओ या फिर कीप क्वाइट बोला जाता है क्लास में तो ये सारा कुछ क्या है जो रिलैक्स होना शांत होना कम्युनिकेट्स मीन्स टॉक बात जो होती है बातचीत शाइन क्या होता है गिव आउट अ ब्राइट लाइट ब्राइट लाइट को इमेट करना जैसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है जो uh, Uh, जो लाइट एमिट करता है नॉन ल्यूमिनस होते जो लाइट एमिट नहीं करते तो वैसे ही शाइन क्या होता है गिव आउट अ ब्राइट लाइट कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को एमिट करे अब इसका समरी देखो इन दिस प्रेयर चिल्ड्रेन आर थैंकिंग गॉड फॉर एवरी थिंग डैट ई अस इस प्रेयर में क्या हो रहा है चिल्ड्रेन है भगवान को थैंक्स बोल रहे हैं हर वो चीज के लिए जो भगवान ने हमें दिया है द पावर ऑफ प्रेयर इज सो ग्रेट दैट इट कैन डिफीट द डेविल और प्रेयर का पावर इतना ज़्यादा होता है कि वो बुराइयों पे हमेशा जीत ही हासिल करती है जैसे पता है ना बुराई पे हमेशा सच्चाई की जीत होती है ऐसा ह्यूमन नेचर होता कि जब कभी भी हमें प्रॉब्लम होती तभी हम गॉड को याद करते हैं लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए हमें गॉड को हर टाइम पे याद करना चाहिए ऐसा नहीं कि बस हमें अपनी प्रॉब्लम्स को उन्हें बताना है और फिर होप करना है कि हाँ आप इसे ठीक कर दो ऐसा नहीं होना चाहिए ना हर टाइम पर भगवान को याद करो भगवान को प्रे करो उन्हें इन्विटेशन दो अपने लाइफ में कि हमारे लाइफ में जो भी हो रहा है आप उसे आओ हमारे ऊपर अपनी दृष्टि बनाओ प्रेयर गिव्स एस द स्ट्रेंथ टू फिनिश आवर टास्क सक्सेसफुली और प्रेयर क्या है ये हमें ताकत देती है हिम्मत देती है ताकि हम अपने टास्क को सक्सेसफुली खत्म कर सके सही तरीके से जो भी हमने काम लिया है उसे सही तरीके से पूरा कर सके ठीक है इसके अलावा कुछ होमवर्क है जो मैंने प्रिपेयर किया है इसमें आपको सिंपली ये बताना है कि ये सारे लोग कहाँ जाते हैं वर्शिप के लिए जैसे हिन्दू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख्स बुद्धिस्ट ये सारे लोग कहाँ जाते हैं ये बताना है और यहाँ पे कुछ तीन क्वेश्चन है जो बस कॉमन सेंस अप्लाई करना है सिंपली बन जाएगा वेयर डू यू गो टू प्रे गॉड मतलब प्रे करने के लिए आप कहाँ जाते हो वो जगह का नाम बताना है हाउ मेनी टाइम्स डू यू प्रे गॉड एवरी डे दिन में कितनी दफ़ा आप प्रेयर करते कितनी बार करते हो वो बताना है सिंपली दो तीन चार पाँच जो भी है वो अपना बता देंगे हाउ डू यू फील आफ्टर प्रेइंग गॉड भगवान का प्रे करने के बाद आपको कैसा फील होता आई मीन सेटिस्फैक्शन होता नहीं होता वो बताना है ठीक है आपको अपने लैंग्वेज में बस इतना ही है छोटा सा है कुछ ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है बाकी हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे टिल देन बी सेफ थैंक यू